सासाराम में एक युवक की बहादुरी की खबर सामने आई है। बता दें जहां नोखा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में जब 19 साल के एक युवक शुभम कुमार को विषैले सांप ने डसा तो युवक जिंदा सांप पकड़कर अस्पताल लेकर पहुंच गया। शुभम के बाएं हाथ में सांप ने डसा था, फिर क्या उसने दाहिने हाथ से सांप के मुंह को अपनी मुट्ठी में दबोचा और फिर लेकर सदर अस्पताल पहुंच गया। बताया जा रहा है कि मोहल्ले में विषैले सांप को देखकर सभी डर गए थे, तभी सांप को लाठी डंडे से मारने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन शुभम सांप को बचाने चला गया, जिसके बाद उसने कोशिश की कि उसे जिंदा पकड़ के जंगल में छोड़ दे। इसी बहादुरी के कारण शुभम के बाएं हाथ की हथेली के पास विषैले सांप ने डस लिया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारा। अपने दाहिने हाथ से उसने सांप के सिर को दबोच लिया और पकड़ के अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में कई घंटों उसका इलाज चला, अब स्थिति स्थिर बनी हुई है। बता दें कि सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, डॉक्टर उसकी निगरानी में लगे हुए हैं। सांप काट लिया है। अच्छा, कैसे, क्या कर रहे थे? सुबह सुबह के समय जा रहे थे वहाँ, उधर अपने मोहल्ला के पास, तो देख पूरा जाम लगल था, मार रहे थे, तब कह रहे थे मारो मत, हम उसको पकड़ रहे हैं। ऐसे भी कई मैंने सांप को, कई तरह के सांप को पकड़े हुए हैं, फिर बाइट कर लिया हमको दूसरा बिल में ऐसे निकल करके, हम उसको फिर बाइट कर लिया तो पकड़ के वन विभाग वालों को दे दिए। सांप पकड़ के अस्पताल आए थे? सांप बाइट कर लिया था, उसके बाद अब पकड़े थे। क्या नाम है? शुभम कुमार।